शूद्रों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, शूद्रों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, शूद्रों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। हम भी इंसान है, हमारे मानव अधिकार किधर है? हम भी इंसान है, हमारे मानव अधिकार किधर है? किधर है, किधर है? हम भी इंसान है, हमारा मानव अधिकार किधर है? किधर है, किधर है? शूद्रों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, शूद्रों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मानव अधिकार संज्ञान लो, संज्ञान लो, संज्ञान लो, मानव अधिकार संज्ञान लो, संज्ञान लो, संज्ञान लो, मानव अधिकार संज्ञान लो, संज्ञान लो, संज्ञान लो, मानव अधिकार जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, मानव अधिकार सीबीआई जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, मानव अधिकार सीबीआई जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, जांच बिठाओ, मानव अधिकार आयोग हमको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मानव अधिकार आयोग न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मानव अधिकार नायक आयोग न्याय दो, न्याय दो, अत्याचार बंद करो। आज जो है आज भी ये मानव अधिकार आए हैं, तमाम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भू माफियाओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करो, आदिवासियों की जमीन को बचाओ। तो पिछली बार आए थे अपना ज्ञापन देने, इस बार क्यों आए हैं, क्या हुआ था पिछली बार, क्या और समस्याएं आई हैं जो भारत दिल्ली का रुख करना पड़ा है, आइए बात करते हैं और जानते हैं। मानव हरे हरे गंगे, नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के मानवाधिकार आयोग में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, और यहाँ पर जो है जो कि एडविन जी हैं, जिनका हमने पहले भी इंटरव्यू दिखाया था, आज वो फिर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर चेयरपर्सन जी को भी ज्ञापन सौंपा है। सुरक्षा की कहीं ना कहीं ये मांगे कर रहे हैं, उनकी जान माल को जो है खतरा है, उसकी भी सुरक्षा की जाए, और जो भू माफियाओं ने जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जमीन पर, उसको भी कहीं ना कहीं मुक्त किया जाए, उसकी जांच करवाई जाए। तो आइए जानते हैं आज ये किन मांगों को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आए हैं। एडविन जी, आप पहले भी मानव आयोग आए थे, आपने तमाम समस्याएं बताई थी कि आपका जो क्षेत्र है उसमें कैसे जो आदिवासी हैं और जो दलित हैं उनका शोषण हो रहा है। क्या पिछली बार आपको आश्वासन मिला था और आज आप दोबारा आए हैं, क्या रहा आज का मामला? जी, पिछली बार जो आश्वासन मिला है और उसके बाद वो जांच भी डीएम को भेजी है, झाबुआ कलेक्टर को, लेकिन क्या है, मेरे को उसके बाद डायरेक्ट धमकियां, भू माफियाओं को, सरकारी अधिकारियां जो बड़े पदों पे बैठे और कुछ पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा धमकियां मिलने लग गई है कि आप आपकी कंप्लेन वापस ले ले, नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी, आपके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जाएंगे। कौन दे रहा है धमकियां? जो शासन में बैठे अधिकारी हैं वो दे रहे हैं? हाँ, शासन में बैठे कुछ बड़े अधिकारी है, कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी है, और भू माफियाओं के और बेनामी संपत्तियों वालों के द्वारा मेरा डायरेक्ट पीछे किया जा रहा है।
कभी भी कोई भी बड़े हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसमें नितिन कोठारी, उत्कर्ष कोठारी, अमित ब्रिजवानी, पिंटू पटेल, पारू मानसिंह, कीलू, इनके द्वारा तो पीछे किया जा रहा, जा रहा हूँ वहाँ पे, मतलब ये जमीन के माफिया है। और टीआई हमारे यहाँ का जो टाउन इंस्पेक्टर है वो और अपने दो सब इंस्पेक्टर और एसडीओपी मैडम के द्वारा भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस जब आपको ये धमकियां मिल रही हैं तो आपने क्या इसका ज्ञापन दिया है सरकार को? हाँ, मैंने मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा मांगी है, और अगर कोई भी घटना घटती है हमारे संग तो सबसे पहले इन इन लोगों को भी आरोपी बनाया जाए, जिनको मैंने सुरक्षा के लिए मेरे और मेरे परिवार के लिए वो मांगा है, और 200 लोगों का नाम भी मैंने बाकायदा दिया हुआ है। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आपने ज्ञापन दिया था, आयोग भी आप आए थे, मानव अधिकार आयोग, तो क्या आज तो आपकी इनसे मुलाकात हुई है, क्या रहा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दफ्तर से, क्या कार्रवाई हुई? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दफ्तर से और मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन के दफ्तर से सख्त निर्देश दिया गया है कलेक्टर को, जांच करके जो भी आरोपी इसमें है इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, सख्त वैधानिक कार्रवाई सब लफ्जों में कहा गया है, और 8 हफ्तों का टाइम दिया है कलेक्टर को कि बिल्कुल बाकायदा। लेकिन मेरा दुख की बात यह है कि मुझे खुद को अभी तक बुलाया नहीं गया है जांच में। मैं फरियादी हो कि अगर आप जांच ऊपर के ऊपर कर लेंगे, और मेरा तो यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, जो भी जांच अधिकारी है उनका भी शपथ पत्र लिया जाए कि जो भी जांच कर रहे हैं और आमने सामने टेबल पे बिठा के पूछा जाए, और हमको हमने वहां पे सबूत भी दे दिए है, करीबन 2500 पन्ने ऑलरेडी दे चुके हैं और वीडियो दे चुके हैं, और बाकी और भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। एडविन जी, आपने साफ कहा था जो वहाँ का प्रशासन है वही भूमाफियाओं से मिला हुआ है, तो डीएम को आदेश हुए, क्या लगता है डीएम ठीक काम करेंगे? देखो, मैं इसलिए डीएम के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है क्योंकि जो जमीन का मामला है उसका स्टे ऑर्डर ये जब जो हमें अभी वर्तमान में डीएम है वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर इंदौर से वहां से मेरे को स्टे ऑर्डर मिला था इन्हीं के द्वारा, उनके आदेशों की अवहेलना करी गई है। सबसे बड़ी बात है अभी उनका ट्रांसफर डीएम होके आए, और इससे पहले जो सोमेश मिश्रा कलेक्टर थे उनको खुद मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में उनको वापस हटाया है। और अभी भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे जो पूर्व में जो एसडीएम थे एलएन गर्ग, तहसीलदार आशीष राठौर, नायब तहसीलदार जितेंद्र सोलंकी, गिरदावर पुनिया परमार, इनके इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, और अभी भी आदिवासियों के जमीनों पे नए तरीके से, मतलब उसके ऊपर मंदिर, चर्च, अवैध मंदिर, अवैध चर्च, अवैध दरगाह और जैन स्थानक बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए, पैसे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अनदेखी कर रहा है। कम से कम हमारे को बुलाया जाए, हम बताएंगे प्रशासन को कि किधर किधर आदिवासियों की जमीन पे भूमाफिया और बेनामी संपत्ति वालों का डेरा लगाया है। एडविन जी, जिस प्रकार से अभी आपने पहले भी अपना इंटरव्यू दिया था मानवाधिकार आयोग में ही आकर, तो उस पे वीडियोस पे काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि कहीं आप ही इसके दोषी तो नहीं है, कई लोग ऐसी चीजें लिख रहे हैं। देखो मैडम, मेरा ये निवेदन है कि मेरे नाम के एक भी संपत्ति पूरे भारत में नहीं है। जो संपत्ति है वो मेरी पत्नी की है, और हमारी पत्नी की संपत्ति के ऊपर भूमाफिया, बेनामी संपत्ति और प्रशासन और शासन में बैठे कुछ पुलिस के और वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी, उनके द्वारा मतलब भूमाफिया और बेनामी संपत्ति वाले को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां हो रही है। इनसे जो भी कमेंट दे उनको बोलो शपथ पत्र दे और सबूत दे, और अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर जो भी दोषी पाया जाए इसमें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई भी आदिवासियों की संपत्तियों के संग ऐसा
भूमाफिया और ये बेनामी संपत्ति वाले कब्जा न कर सके। एडविन जी, अभी आपने बताया जो लैंड है जहाँ पे कब्जा हो रहा है उसमें लोग मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये धार्मिक स्थान बना के या स्थल बना के ये आसान है इस तरह से संपत्ति को हड़पना? सर अभी जो भी देखा जा रहा है उसके हिसाब से यही हो रहा है कि जो चीजें हो रही है, अब आदिवासी के जमीन पे सामान्य आदमी पेट्रोल पंप डाल रहा है, मतलब कमाई किसकी हो रही है? सामान्य आदमी की, आदिवासी को तो कोई कमाई नहीं मिल रही है। मतलब दिन दहाड़े जंगल राज चल रहा है झाबुआ के मध्य प्रदेश में। क्या अंत में संदेश देना चाहेंगे झाबुआ वासियों को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? मैं तो सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मामा और प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा अनगिनत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं आदिवासियों के लिए। पैसा कानून एक लागू कर दिया है आपके द्वारा, जो आज तक कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लागू नहीं करा। लेकिन मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ ये ना सिर्फ किताब और कागजों में लागू हो, ये बाकायदा जमीन स्तर पे लागू हो। इसके लिए आपको, आपके कर्मचारियों और आपके शासकीय अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश देना पड़ेगा। और अगर ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। आज किससे मुलाकात हुई आपकी? आज मेरे मानवाधिकार आयोग में जो राष्ट्रीय चेयरपर्सन के जो सचिव है उनसे मुलाकात हुई है। और तो आज आपने किस लिए ज्ञापन सौंपा? आज भी तो सौंपा। आज मैंने, मेरे ऊपर कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, हमारी हत्या हो सकती है, हमारे झूठे मुकदमे में भी फंसाया जा सकता है। इसी कारण से हमने सुरक्षा और मिलने के लिए ज्ञापन दिया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। आज उन्होंने एक और लेटर कलेक्टर को इश्यू करा। एडविन जी, आज आप कोर्ट में भी आए, सुप्रीम कोर्ट में भी आज आपने फिर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। जी, मैंने मेरे परिवार को जान का खतरा है उससे, हमारी सुरक्षा के लिए कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती है, हमने हमारी सुरक्षा प्लस हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी लादने की साजिश चल रही है, इसके लिए हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया और चीफ जस्टिस से मिलने का समय भी मांगा। ठीक।